हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एटॉमिक मास, मास नंबर, इनसे रिलेटेड कुछ बातें की थी। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना, उसी में आज कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका रिलेशन एटॉमिक नंबर और मास नंबर से है। इन्हीं टर्म्स में हम सबसे पहले, बहुत फैमिलियर टर्म है जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सारे टर्म्स हमने की हैं पहले 9th स्टैंडर्ड में। इन्हीं टर्म्स को हम एक बार फिर से याद करेंगे। तो हमारी बहुत पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आइसोटॉप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सच एटम्स और सच एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। इनमें सिमिलैरिटी है तो इनके एटॉमिक नंबर की, और डिसिमिलैरिटी है तो इनके मास नंबर की। हम एक हाइड्रोजन 1, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन्स कितने हैं? भाई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन कितने हुए? एक एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन यहां कितने हैं? 9। न्यूट्रॉन यहां पर एक भी नहीं है। अच्छा, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम। ठीक है, ये है हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर है 2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी 1 है, क्योंकि मास नंबर क्या हो गया? 1। इसका मास नंबर 2 है, तो हम 2 में से अगर प्रोटॉन को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम। प्रोटियम की परसेंटेज अबंडेंस हाइड्रोजन की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा होती है। नियरली अबाउट 99% ये जो हमारे अबंडेंस में पाया जाता है। ड्यूटेरियम की परसेंटेज अबंडेंस बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू प्रोटियम। ये लगभग 1 point something या 0.01 के लगभग पाया जाता है। तीसरा आइसोटॉप भी हाइड्रोजन का ही है। एक इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही होंगे। संख्या किसकी बढ़ी? न्यूट्रॉन की, क्योंकि मास नंबर कितना है? 3। इसको बोला जाता है ट्रिटियम। ट्रिटियम, और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ठीक है, कुछ और जरूरी बातें हैं यहां पर जो वैसे तो हम आगे हायर क्लास जो यूनिट्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे, लेकिन इन आइसोटॉप्स में जो डिफरेंस है, वो ड्यू टू मास नंबर है, तो हम इसको डिफरेंस, ये डिफरेंस किस कारण से बोलेंगे? डिफरेंस ड्यू टू मास नंबर। तो इसको मास नंबर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये मास नंबर इफेक्ट है जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। आप दूसरा एलिमेंट सुनते हैं कार्बन। कार्बन के भी हमारे पास कितने आइसोटॉप हैं? 2 होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 14। तो हमारे पास कार्बन के भी आइसोटॉप हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप हैं, और बहुत सारे क्लोरीन के भी आइसोटॉप हैं।
बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके हम आइसोटॉप्स देखते हैं। अब रही बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद करने की, कि इनका एटॉमिक मास कैसे कंसीडर करेंगे, जबकि इनका मास नंबर दो अलग अलग है, हम तीन बोलेंगे, हम दो बोलेंगे, हम या एक बोलेंगे, तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा फॉर्मूला लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है समीशन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू में अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास की प्रेजेंस को हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। मेरे पास नियॉन नोबल गैस है, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर है 20, एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर है 22। मैंने दोनों आइसोटॉप्स लिख दिए। मुझसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि ये नियॉन जो है वो 90% अबंडेंस में होती है और ये नियॉन जो है वो 10% अबंडेंस में होती है। तो बताइए नियॉन जो एक्चुअल में है, जिसका एलिमेंट हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका एटॉमिक मास कितना है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम आसानी से इसका एवरेज मास निकाल सकते हैं। देखिए एफ आई डिनोट्स द फ्रैक्शनल प्रेजेंट आउट ऑफ 100, ठीक है, दिस इज द अबंडेंस, ये अबंडेंस होगी, और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यहाँ पर इसका कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका कितना है 22। तो इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आता है, एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आता है वो लगभग आता है 20.2 AMU। देखो ना तो ये है और ना ही ये है, इनके कहीं बीच में हमें इसका एवरेज मिलता है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे हम क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 35.5 U, लेकिन ये तो एवरेज है क्योंकि इसके आइसोटॉप्स होते हैं और इसके कारण हमें जो है वो एवरेज एटॉमिक मास मिलता है। सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, राइट, सच एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये तो थी हमारी पहली टर्म आइसोटॉप। अब आते हैं हम हमारी दूसरी टर्म पे, जो भी इसी तरीके से मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर रिलेट है। हमारी सेकेंड टर्म है आइसोबार्स, सेकेंड टर्म है आइसोबार्स। सच एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट अटोमिक नंबर। ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। हम एग्जांपल लेते हैं, वेल नोन है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20, बट इनका मास नंबर तीनों का क्या रहता है, सेम, 40 40 40। तो जिसका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। आगे आते हैं थर्ड टर्म में, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आइसो शब्द है, इट गिव्स द टर्मिनोलॉजी दैट इज सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, जिनके अंदर सेम कुछ होगा। आइसो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। सच एटम्स और स्पीसीज, मैंने यहां पर स्पीसीज वर्ड भी बोला, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगी। सच एटम्स और स्पीसीज विच हैव डिफरेंट अटोमिक नंबर डिफर इन मास नंबर, मास नंबर भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास नंबर बट सेम
सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस पर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इनका क्या रहता है? सेम। अब हम इसी बात को जरा ध्यान पर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनके कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पर चार्ज है, वो सेम रहेगा और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देयर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। सोडियम पर आएगा प्लस चार्ज, एटॉमिक नंबर है 11। ध्यान से देखते चलिएगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 नहीं, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, क्योंकि पहले ही बताया था आपको कैटायन होता है। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में बट सेम न्यूक्लियर चार्ज है, आप ये भी बोल सकते हो सेम इलेक्ट्रॉन्स इनके पास क्या रहेंगे? सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? 10 माइनस 2 12, इसका एटॉमिक नंबर है 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10। प्रोटॉन कितने हो गए इसके पास? प्रोटॉन हो गए 12। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 13। नेक्स्ट पे आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन -3 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 प्लस 3 10। प्रोटॉन कितने हैं? 7। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 8। फिर हम आते हैं फ्लोरीन पर, एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 9। फिर आते हैं नियॉन। नियॉन पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 10। इन सब में क्या सिमिलैरिटी है? देखिए, मैंने स्पीसीज पहले ही बोला था कि एटम्स एंड स्पीसीज, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जो आइसोलेटेड स्टेट में है, हम उसको टर्म एटम कहेंगे। लेकिन जिस पर कोई चार्ज है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, हम उसे क्या बोलेंगे? स्पीसीज। तो यहाँ पर स्पीसीज भी इंक्लूड होती हैं। तो जैसे कि इस कैटायन को और इस एनायन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो सब में क्या सिमिलैरिटी है? सब में इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के बाद सेम हो गए हैं, लेकिन प्रोटॉन सब में क्या है? अभी भी डिफरेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर इनके बट डिफर इन न्यूक्लियर चार्ज, सेम इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज इनका अगर बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? सेम। हम इसे क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम देख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के अंदर अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ऑक्सीजन में भी उसी टाइम चार्ज माइनस 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के बाद हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी आइसो टॉम्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स सच एटम्स विच हैव सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके पास सेम नंबर के न्यूट्रॉन पाए जाते हों। सच एटम्स विच हैव सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, चाहे वो दूसरे के आइसोटोप हो चाहे वो दूसरे के आइसोबार हो। मैंने एग्जांपल लिया कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 15 एटॉमिक नंबर 7। जरा चेक करेंगे 14 6, अगर हम यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटोन प्लस में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं तो ए माइनस में प्रोटोन। एटॉमिक मास कितना है? 14। प्रोटॉन कितने हैं? 6। अब 14 में से हमें 6 माइनस करने हैं, हमारे पास कितने न्यूट्रॉन आए? 8। इसी तरीके से हम यहां देखते हैं हमारे पास मास नंबर कितना है? 15। तो ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होते हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 15 माइनस 7 हम करते हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। दोनों में न्यूट्रॉन क्या है? सेम। तो न्यूट्रॉन सेम होने से इन दोनों को हम एक दूसरे का क्या बोल सकते हैं? आइसोटॉन। बट एक्चुअली ये अपने ही एलिमेंट के क्या हैं?
आइसोटॉप्स। जरा ध्यान दीजिएगा, मास नंबर बदला हुआ है, मास नंबर बदला हुआ है, तो ये अपने ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ही किस रिलेशन में है, आइसोटॉन्स में। तो ये कुछ टर्म्स थे। इनके बाद एक आइसोस्टर्स और टर्म है, नंबर 5 पे अगर हम देखें तो आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहते हैं तो वो स्पीसीज भी दूसरे के साथ किसी न किसी रिलेशन में जुड़ी होती है, उनको आइसोस्टर्स कहते हैं। ये 4-5 टर्म हमें ज्यादा रिलेट में याद करनी होती है। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी वैसे तो हमने 9th क्लास से स्टार्ट की हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार इसको ध्यान से समझने में, पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EMR वेव थ्योरी। दी किसने थी ये, जे सी मैक्सवेल। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसके बारे में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है क्या। देखिए, बहुत सारी ऐसी लाइट है, जैसे सन है जो सोर्स है सभी लाइट्स का, तो वो क्या एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। सन जो है वो रेडिएशन एमिट करता है, तो हम जो रेडिएशंस देख पाते हैं वो तो कुछ ही है, कुछ ही लिमिटेड रेडिएशंस हैं जिनको हम देख पाते हैं। बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी हैं जो बियॉन्ड है हमारे देखने के, या जिनका जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, या जिनकी हम यूं कहें टर्मिनोलॉजी में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, किसी की वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो ऐसी पता नहीं कितनी सारी रेडिएशंस हैं जो सिंगल सोर्स से एमिट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम इसलिए बोला गया क्योंकि ये भी वेव नेचर की होती हैं और ये ट्रेवल करती हैं, इनकी स्पीड जस्ट सिमिलर टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 है, दे एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। ये किसी सोर्स से एमिट होती हैं। सोर्स क्या होगा, या तो कोई हॉट मेटल जिसको हमने खूब गर्म कर रखा होगा, या फिर सन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स तो होगा किसी प्रकार की रेडिएशन लाइट को एमिट करने वाला। हम नॉर्मल भाषा में या आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम क्या बोलते हैं, किरणें आ रही हैं, रेडिएशन आ रही है, दीज रेडिएशन आर जस्ट सिमिलर टू दैट। हमारा सन जो लाइट दे रहा है वो रेडिएशन की टर्म में दे रहा है, तो इन रेडिएशन को हम क्या बोल रहे हैं, रे लाइट। तो इनके लिए कोई ना कोई सोर्स तो होना ही चाहिए। जब हम किसी मेटल को रेड हॉट मेटल को भी हम एज अ सोर्स कंसिडर कर सकते हैं, तो रेड हॉट मेटल, सन, ये भी एज अ सोर्स है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती हैं। हमें क्या लगता है, ये रुक रुक के आएंगी, हालांकि ये इस प्रकार से पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं ऐसे, लेकिन देखने में हमें क्या लगता है कि एक सीधी लाइट है, सीधी लाइन के फॉर्म में आई है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं। ट्रेवलिंग इनकी स्पीड वही रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से ही ये ट्रेवल करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही आती हैं, लगातार चलती रहती, कभी ऐसा नहीं होता कि अभी 1 घंटे पहले तो सन पूरी लाइट दे रहा है, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेगा 5 मिनट का, उसके बाद फिर से लाइट देना स्टार्ट करेगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रेड हॉट मेटल हो, या फिर सन हो, या कोई भी सोर्स हो, उससे भी जो लाइट एमिट होगी वो कंटिन्यूअसली आती ही रहेगी, जब तक उसकी एनर्जी बराबर रहेगी या एनर्जी उतनी ही रहती है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि यहां पर 3 फील्ड काम करती हैं।
मैं ट्रेवलिंग का बता रही हूँ, तीन फील्ड काम करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर रेडिएशन इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, अप एंड डाउन, तो उसी वक्त कोई लाइट इस प्रकार के फील्ड एरिया से भी ट्रेवल कर रही होगी, लाइक दिस। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस वाले पोर्शन को मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो रास्ता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये तीनों चीजें, दिस वन एंड दैट वन, ये तीनों चीजें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। आपने ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के रूप में पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों म्यूचुअली किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ये किसी सोर्स से चलने वाली लाइट के बारे में बता रहा है जो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, और उसको कौन एमिट कर रहा है, कोई ना कोई सोर्स। सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन जब कोई लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है तो हम उसका नाम रख देते हैं वेव, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, जिनके कारण उसको वेव नेचर का बोला गया है। अब इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही बोली गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में हम इन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो इनके बारे में डिटेल से बता सकते हैं, जैसे कि वेवलेंथ क्या है। सुना सुनाया नाम है, फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल होता है हमारे ये। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये बाकी बातें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।